हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग में स्वागत है। मैं आज कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 रिटन बाय s.k.gupta के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। यहाँ चलिए देखते एक हैं। क्वेश्चन दे रखी है, एक्स अपॉन 3 माइनस के 5 इक्वल टू 8। यहाँ देखिए, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और ये होल नंबर में है। तो हम कभी फ्रैक्शन और होल नंबर को आपस में तब तक सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर तो हम एलसीएम लें या फिर हम 5 को इधर ले जाएं। सेम मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस में बताया था कि हम सेम सेम टर्म्स को ही एक साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये है नंबर में और ये भी हमारा नंबर में है, एक्स अपॉन 3। अब इसको इसके पास ले जाना है, तो ये माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर उधर सारी डिजिट्स अपना साइन चेंज करती हैं। जो प्लस में होती है वो जाके माइनस में, और जो माइनस में होती है वो इक्वल के उधर जाकर प्लस में हो जाती है। जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के उधर जाकर डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए, ये हमारी माइनस में है, इक्वल के इधर आकर ये हो जाएगी हमारी प्लस में। तो ये हो गया प्लस के 5, तो 8 प्लस 5 है हमारा ये। अब देखिए, एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 8 प्लस 5, इसे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 8 और 5 13, ठीक है। अब इतना हो गया सॉल्व। अब देखिए, हमें सेम सेम वैल्यू एक साथ रखनी है, सेम सेम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एक साथ रखनी है। यहाँ देखिए, आपका 3 है डिवाइड में, ये रहा इक्वल। अब देखिए, यहाँ एक तो आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक पता है तो आप उससे कर सकते हैं। यहाँ नीचे मानेंगे 1 और एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, और एक्स 13 का 3 में मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैची कट, कैची बनाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स बन जाए एक्स, और 13 3 जा 39। तो हमारी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 39 आ रही है। ठीक है, और अगर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं जानते हैं वो हमारा ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। डिवाइड का इक्वल के उधर जाके हमारा हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो देखिए, ये एक्स अपॉन 3 ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक्स बता रही हूँ। ये 13 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये डिवाइड में है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 39। हमारा आंसर यहाँ पर भी वही आया जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था, यह हमने दूसरी ट्रिक अपनाई थी तब आ रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, टी माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू टी। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मिक्सचर दे रखा है। ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ये एलजेब्रा का है, और ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में है। आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेम सेम वैल्यूज़ और सेम सेम टर्म्स ही आपस में सॉल्व होते हैं, तो हमें सेम सेम टर्म आपस में पास में लाने पड़ेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पर कोई और ठिकाना नहीं है हमारा, माइनस के 8 अपॉन 3 हम इधर ले जाए नहीं हो सकता, या माइनस के 8 इधर ले जाए नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज होगा। यह हम नीचे मान लेते हैं 1, और हम कर देते हैं कैची कट, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। टी माइनस 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगी टी माइनस 8, क्योंकि किसी भी डिजिट का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट हमारी वापस आ जाती है। और 3 का टी में मल्टीप्लाई करने पर 3t आ जाएगा। इतना समझ में आया?
देखिए, आपको टी वाले टर्म एक साथ रखने हैं और न्यूमेरिकल वाले टर्म एक साथ रखने हैं। आप टी वाले टर्म अलग कर लीजिए, ये टी है हमारा, ये भी टी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप टी को इधर ले जाइए या थ्री टी को इधर लेके आइए। हम चलिए टी को इधर लेके आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टी है हमारा प्लस में, और जो चीज़ यहाँ पर प्लस में है इक्वल के इधर जाकर वही चीज़ या वही एक्सप्रेशन हमारा माइनस में हो जाता है। तो टी माइनस एट, अब ये देखिए यहाँ से टी ले जाइए तो टी यहाँ से चला जाएगा इक्वल टू थ्री टी माइनस के टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का एट रह गया था और थ्री टी में से टी गए, यानी कि थ्री में से वन गया तो हमारे टू बचे और टी का टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए टी और टू के बीच में किसका साइन है, टू और टी के बीच में है हमारा मल्टीप्लाई का साइन। किसका है? मल्टीप्लाई। जब भी दो डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं हो तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जरूर होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल के इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस के एट अपॉन टू इक्वल टू टी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई से इधर आकर हो गया डिवाइड में। अब टू फोर जाए होते हैं हमारे एट, टी की वैल्यू क्या आ गई एट, यानी कि सॉरी माइनस के फोर, टी इक्वल टू माइनस फोर। अब देखिए इस क्वेश्चन में फोर बाई माइनस बाई अपॉन फाइव इक्वल टू 21 है। हमें इस क्वेश्चन में भी सेम टर्म एक साथ, यहाँ पर प्लस का साइन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमें सबसे पहले, यहाँ आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में है ये, तो फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल में भी सबसे पहले डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम आया फाइव। अब देखिए वन का फाइव में डिवाइड देने पर फाइव आया हमारा आंसर, और फाइव का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर बाई में, यानी कि 20 बाई, प्लस फाइव का फाइव में डिवाइड देने पे वन आया, वन का बाई में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया फाइव वाई ओनली इक्वल टू, इक्वल में क्या है 21। अब देखिए 20 वाई प्लस वाई यानी कि 21 वाई अपॉन फाइव इक्वल टू 21। अब वही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 21 का वाई वन में मल्टीप्लाई करने पर 21 वाई आता है, और 21 का फाइव में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि 21 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो हम अगर इक्वल के इधर ले जाना चाहते हैं तो हमें डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई फाइव अपॉन 21। 21 से 21 कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट इसकी ट्रिक्स थी, तो अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2m/3 प्लस 3m/4 इक्वल टू 17। आपको पता है पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेने पर आता है हमारा 3 और 4 का एलसीएम लेने पे क्या आएगा 12। अब हमेशा डिवाइड पहले करते हैं, 3 का 12 में डिवाइड करने पर आ रहा है 4,
क्योंकि 3 4 12 होते हैं, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8। हमारा क्या आ गया 8 टाइम, ऐसे 4 3 12 3 3 9 इक्वल टू 17। अब देखिए अगर हम यहाँ 1 मान लें तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे m और m आपस में सेम टर्म है और प्लस में है, तो दोनों को प्लस कर लो, 9 और 8 होते हैं 17 और m का आएगा m अपॉन 12 इक्वल टू 17 अपॉन 1। अब देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 17m बन जाए 17m और 12 मल्टीप्लाई बाय 70 न। अब देखिए वही उस क्वेश्चन की तरह जो अभी लास्ट किया था, यहाँ 17 और m आपस में मल्टीप्लाई में है तो 17 इक्वल के इधर आकर हो जाएगा हमारा डिवाइड में, और हमेशा ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं, हो गए कैंसिल, तो m की वैल्यू हमारी आ गई 12। ये आ गया हमारा आंसर।